नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 की पुस्तक का भगवती चरण वर्मा की कविता है दीवानों की हस्ती शुरू कर रहे हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। ये जो भक्ति चरण जो वर्मा है, इनकी जो कविता है, इसमें दीवानों का जो इनका भावार्थ है वो जो स्वाधीनता जो प्रेमी थे उनके लिए कहा गया है, दीवाने उनके लिए इन्होंने उपयोग किया है। हम दीवानों की क्या हस्ती और आज यहाँ कल वहाँ चले, तो जो स्वतंत्रता जो प्रेमी थे उनके लिए कहा गया है कि वो आज तो हमारे साथ हैं, कल वो क्या पता कल जेल में हो, उनका कोई जो है वो मतलब फिक्स नहीं है कि वो यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे। जब स्वाधीनता जो क्रांति होती थी उसमें उनको जेल में डाल दिया जाता था, तो वो इस कविता में अपना जो हाल है वह प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो ये देश है इसके सामने हमारी कोई हस्ती नहीं है, इसके सामने हमारा कोई वर्चस्व नहीं है, इससे हम बहुत छोटे हैं। आज हम आपके साथ हैं तो कल हम जेल में हो सकते हैं या कहीं और हो सकते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कह रहे हैं कि हम तो खुशियाँ बांटते घूम रहे हैं, हम तो जो स्वतंत्रता जो संग्राम है उसकी जो जागृति है वह लोगों में लाना चाहते हैं, और इसलिए हम मस्ती के साथ आलम के साथ अपने दीवाने मस्त मौला आलम के साथ हम धूल उड़ाते हुए चल रहे हैं। जहाँ हमारा मन करता है वह हम वहाँ ही हम जागृति यानी कि वही जागृति हम लेकर आते हैं। हाय बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले। जो उनसे जो लगाव रख लेते हैं, जो क्रांतिकारी होते हैं उनसे जो लगाव रखने वाले जो प्रेमी होते हैं, उनके मतलब जो आम जनता होती है उनसे अगर उनको लगाव हो जाता है तो पहले तो वो खुश होते हैं उनको देख के उनके साथ चलने पर, और जब वो जेल चले जाते हैं तो उनको उसके बारे में दुख होता है और वो आंसू बहाते चल रहे हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। जब क्रांति का जब वो टाइम चलता था तो वो जो क्रांतिकारी थे वो जगह जगह जो अपना जो क्रांति जो उनका मिशन होता था उसको फैलाते हुए घूमते थे, तो वो आते थे और चले जाते थे, थोड़ा टाइम उनको रुक कर उनको उसके क्रांति के बारे में जो लोगों को समझा कर वहाँ से चल पड़ते थे, तो लोगों की आंखों में आंसू बहते हैं। किस ओर चले है पूछो मत, चलना है बस इसीलिए चले, जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। किस ओर चले, कह रहे हैं कि हमें भी पता नहीं है कि हमारी मंजिल कहाँ तक है, हमें किस ओर जाना है यह मत पूछो, हमें सिर्फ क्रांति दिख रही है, हमें हमारी स्वाधीनता ही प्यारी है, और कहाँ तक चलना है यह है हमें भी पता नहीं है, हम तो बस चले ही जा रहे हैं, इस जागृति को फैलाए ही जा रहे हैं। जग में उसका कुछ लिए चले यानी कि जग से हमने कुछ लिया है, उनके जो क्रांति के लिए हम जागृत कर रहे हैं लोगों को, तो उनका हमने टाइम लिया है, उनसे हम जो जागृति है वह उत्पन्न कर रहे हैं, हम जग को अपना कुछ दिए चले, हम जग को जो जागृति है वह प्रदान कर रहे हैं, जो स्वाधीनता है उसके बारे में हम जागृत करते हुए जा रहे हैं, यानी कि हम कुछ देश से ले रहे हैं तो कुछ हम देश को दे रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात हमने लोगों की भी सुनी, दो बात हमने अपनी भी कही, हम लोगों के साथ जो उनके जो विचार हैं उनसे समन्वय बनाकर स्थापित कर हम चल रहे हैं। कुछ लोग हंसे फिर कुछ रोए यानी कि हम पर कुछ लोग हंसे भी और जो हमसे प्रेम करने वाले थे वो हमारे साथ रोए भी, यानी कि उनका कोई स्थिरता नहीं होती, कभी तो उनके जीवन में सुख आते हैं और कभी दुख आते हैं। जब वो जेल जाते हैं उनको जो यातनाएं हैं वह अत्यधिक मिलती है, तो उनके जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। छक्कर यानी कि हम उस छक्कर यानी कि उसको जी भर कर हम सुख दुख के यानी कि घूंट इस यहाँ पे इसके लिए उपयोग है कि यानी कि सुख दुख के जो प्रक्रिया है वह चलती ही रहती है जीवन में, तो छक्कर यानी कि जी भर कर हमने सुख दुखों के जो घूंट है यानी कि जो सुख दुख है उसका अनुभव किया है हमने, हम एक भाव से पिए चले। हमने उस जब सुख आए तो उसको भी समान भाव से पिया, लेकिन हमारे जीवन में अगर दुख आए हैं तो हमने भी उसको भी समान भावना से स्वीकार किया है। हम भीखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले,
अब अपना और पराया क्या बात रहे, रुकने वाले हम समय बंधे थे और समय हम अपने बंधन तोड़ चले। तो इसमें भक्ति चरण जो दीवानों की मस्ती है उसका आलम प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि हम भीख मंगो, यानी कि जो भीख मांगने वालों की दुनिया है, यानी कि सबको ऐसे लगता है कि हम जो है सिर्फ धन ही धन है वो कमाएं, लेकिन जो स्वाधीनता प्रेमी है वह स्वच्छंद रूप से घूमते हैं और वो अपना जो होता है स्वार्थी भाव, जो सामर्थ्य है वह व्यक्त करते हैं, जो स्वार्थी भाव है वह नहीं दिखाते हैं और वह लोगों को सम्मान भावना के साथ स्वच्छंद घूमते हैं और उन लोगों को समान रूप से प्यार देते हैं। हम एक निशानी सी उर पर, यानी उर यानी कि हृदय में, हम एक लोगों के मन में अपनी एक अमिट छाप छोड़ कर जा रहे हैं, यानी कि उनके हृदय पर हमारी एक निशानी रहेगी। ले सफलता का भार चले, अगर हमें स्वाधीनता नहीं मिली तो हम जो उसका भार है वह अपने ऊपर लेकर जाएंगे कि हमें कोई कमी रही होगी, इसीलिए हमें स्वाधीनता प्राप्त नहीं हो रही है। अब अपना और पराया क्या, हमें तो सारे अपना, यानी कि उनको कोई अपना नहीं है, उनका कोई पराया नहीं है, उनका कोई परिवार है तो वो उनको लोगों के समान ही लगता है, जो देश है वो पूरा उनको अपना परिवार लगता है, तो उनको अपने और पराये में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ पा रहा है। आबाद रहे रुकने वाले, जो हमारे देश के हैं जो रुकने वाले, यानी कि जो रुक गए हैं, जो क्रांति के आगे जो आगे नहीं आ रहे हैं, जो रुक गए हैं वो भी आबाद रहें, वो बसते रहें, देश को आगे बढ़ाते रहें। हम सवे बंधे थे और समवे हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वाधीनता से समय बंधे थे, यानी कि अपने आप ही हम इससे जुड़ गए थे, हमारी जो भावनाएं थी वह उसके साथ जुड़ गई थी और अब हम इस संसार से अपने बंधन तोड़कर जा रहे हैं, यानी कि स्वतंत्रता नहीं मिलने पर जो स्वाधीनता जो प्रेमी थे उनको यात्राएं दी जाती थी तो उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। उसका वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि हमने समय ही इस देश से बंधन बांधे थे और हम समय ही इस बंधन को तोड़कर इस दुनिया से चले जा रहे हैं। तो ये थी आपकी कविता। अब करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। इसका पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने के उल्लास और जाने के आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो इसमें कवि ने जो उल्लास है वह इसलिए कहा है कि क्योंकि वह जहां भी जाते हैं लोगों का जो खुशियों का संदेश है वह लेकर जाते हैं, उनको क्रांति की झलक दिखाकर जाते हैं और जब वह वहाँ से चले जाते हैं तो लोगों को जो उनसे जो प्रेम हो जाता है उसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू बह चले जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, भीखमंगों की दुनिया में बेरोके प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निशान या प्रसन्न है? भीखमंगों की दुनिया में निरंतर प्यार लुटाने पर क्रांतिकारियों का जो भाव होता है वह खुशियों से भर देता है, यानी कि जब वह आते हैं तो वह अपनी खुशियां साथ लेकर आते हैं, लेकिन जब समय के साथ कुछ मतलब वहां से जाने का उनका समय हो जाता है तो उनकी जो लोग हैं उनके आंखों में आंसू आते हैं, उनकी जो हृदय पर उनकी निशानियां रह जाती हैं कि वह हमें किस प्रकार हमें प्यार देते हैं, किस प्रकार हमें समझाते हैं, एक बच्चे की तरह समझाते हैं, तो लोग उनसे जुड़ जाते हैं। और कभी नहीं है स्थाई नहीं होता उनके जीवन में, कहीं भी वो स्थाई रूप से नहीं बसते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं और वहाँ पर लोगों को जागृत करके वहाँ से चले जाते हैं और जो असफलता है उसका बोझ वह समय पर लेकर वहाँ से चल देते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो सुख दुख है तो वो उसको समान भावना से ग्रहण करते हैं, सुख में वो ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते और दुख आने पर वह घबराते नहीं हैं, उसको समान भावना से ग्रहण कर चलते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।